अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा नाम दानिश खान है। मैंने इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी ऑन कर ली है, जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। अच्छा, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कासिम हुसैन भाई का। भाई राय, आपके साथ मसला है, हमारे यहाँ पे सारा क्लियर है, सबको आवाज़ आ रही है। अगर किसी को नहीं आ रही, दो चार और लिखे, वॉइस क्लियर है। अनीस भाई भी कह रहे हैं वॉइस क्लियर है। एनीवेज, तो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ यार, और अब मैं जो है वो बीच में नहीं बोलूंगा, ठीक है? बीच में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का मैं एक मौका दूंगा 15-20 मिनट का, उसमें आप करेंगे लिमिटेड, क्योंकि ऑडियंस ज्यादा आती रहेगी। एनीवेज, सबसे पहले कासिम भाई का शुक्रिया। कासिम हुसैन साहब सब जानते हैं उनको, और उन्होंने एक मौका दिया है, एक पोस्ट लगाई, फिर ग्रुप बनाया, माशाल्लाह काफी ऑडियंस आई है। दूसरा शुक्रिया है भाई खबीर भाई का, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट आधे पौन घंटे से यही परेशान था कि मैं किस तरह से लाइव आऊं। तो शेर अली भाई, आपके साथ मसला है, तो मैं यही परेशान था, मैं लाइव किस तरह हूँ। फेसबुक लाइव पे गया, वहां पे स्क्रीन शेयर नहीं हो सकती थी, फिर जूम पे गया, परचेज करने लगा, लेकिन उसमें 100 पार्टिसिपेंट्स है मैक्सिमम अलाउ। तो ये खबीर भाई होते हैं हमारे, खबीरुद्दीन मुगल, काफी लोग उनको जानते होंगे, उनका भी शुक्रिया, उन्होंने अपना प्रीमियम अकाउंट दिया है सिर्फ आप लोगों के लिए। ना उनका कोई फायदा है, ना कासिम भाई का कोई फायदा है, ना मेरा कोई फायदा है। दिस इज नॉट फॉर फेम और मनी, ये ना पैसों के लिए है ना ये फेम के लिए है। अब मैं प्रोफेशनली स्टार्ट करने लगा हूँ टेक्निकली। अच्छा, जो जो भी आते रहे अपने अपने माइक और कैमराज ऑफ करके इनरोल होते रहे सेशन में। गूगल एड्स है क्या? आप सबने सुना होगा गूगल एडसेंस मोस्टली, क्योंकि हमारे यहाँ पे उसी का जो है वो ज्यादातर कोर्स वगैरह सेल किए जाते हैं, उसी के मेंटोर बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने कंफ्यूज नहीं होना, गूगल एड्स एंड गूगल एडसेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। गूगल एड्स जो है, इसका पहले जो नाम था वो गूगल एडवर्ड्स था फॉर्मरली, फिर गूगल वालों ने इसका नाम चेंज किया, गूगल एड्स कर दिया, ठीक है? और इसकी जो यूआरएल है वो है ads.google.com, ठीक है? मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ ताकि आपको समझ आती है। अच्छा, जो ads.google.com, ये यूआरएल है गूगल एड्स की, है क्या ये? देखिए इनका हेडलाइन क्या है, गूगल एड्स वालों, ग्रो योर बिजनेस विद गूगल एड्स। आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ गूगल एड्स। गूगल एड्स क्या करता है बेसिकली, ये गूगल का एक पब्लिशर प्रोग्राम है, ठीक है? और गूगल एडसेंस जो है वो गूगल का, सॉरी, गूगल एडसेंस जो है वो पब्लिशर प्रोग्राम है, और ये जो गूगल एड्स है ये एडवर्टाइजर प्रोग्राम है, सॉरी। तो डोंट बी कंफ्यूज इन गूगल एड्स एंड गूगल एडसेंस। तो मेरा टॉपिक गूगल एडसेंस नहीं है, और ना ही मेरी एक्सपर्टीज है, और ना ही मैं जानता हूँ, मैं गूगल एड्स पर सिखाने के लिए यहाँ बैठा हूँ। तो पहले इसका नाम गूगल एडवर्ड्स भी होता था, काफी लोग आज भी इसको गूगल एडवर्ड्स के नाम से जानते हैं, और अब ये चेंज कर दिया, गूगल एड्स हो गया। तो फिर मैं कह रहा हूँ कंफ्यूज नहीं हो गया, ये गूगल एड्स है। और दूसरी बात ये कि ये जो सेशन है ये हर बंदे के लिए, जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए भी है, जो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं गूगल एड्स पे उनके लिए भी है, ठीक है? तो डो तो ये नहीं, जो जो जिनको ऑलरेडी आता है, ये जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं इस पे, वो इस चीज को ना लें कि यार ये तो हमारे लिए है ही नहीं, ये तो बिगिनर्स के लिए है, आगे चल के उनके लिए भी आएगा, और बिगिनर्स को तो मैं छोड़ नहीं सकता ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये सबके लिए, मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा बिल्कुल। और आपको पता है सपोर्टिंग जो टूल्स होते हैं या सपोर्टिंग चीजें होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, तो इसमें भी बहुत सारी हैं। अब मैं हर चीज को तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन जो गूगल एड्स से रिलेटेड जो भी सपोर्टिंग चीजें हैं ना, जो इसमें यूज होती हैं, उतना मैं आपको बताऊंगा ग्राउंड लेवल से। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, मैं आप लोगों को फिर क्लियर कर दूं कि देखें ना, इसमें कासिम भाई का कोई फायदा है, ना मेरा कोई फायदा है। मैं ना आगे चल के कोई इस चीज से पैसे कमाने के मूड में हूँ, ना मुझे अभी चाहिए। लेकिन हाँ, आप सबसे मेरी एक एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरी वीडियोस, ये सेशन को जितना लोगों तक आम कर सकें, आपकी मेहरबानी होगी। उसकी वजह मैं बताने लगा हूँ, आप लोगों ने एक तरह से इसकी फीस देनी है। वो फीस कैसे देनी है? अभी सैलाब आया हुआ है पाकिस्तान में, लोगों के पास कपड़े नहीं है, लोग भूख से बेचारे बेहाल हैं, कई कई जगहों पे जो है खुराक नहीं पहुंच रही है। तो अपनी मदद आपके तहत आप जितनी ज्यादा डोनेशन कर सकें, तो आप जो जिसकी जेब इजाजत दे,
100 रुपए से लेके 1,000 रुपए तक, 10,000 तक, जो जो जिसकी जितनी जेब इजाजत दे। और किसी भी इदारे को, मैं ये नहीं कह रहा, आप आर्मी को कर सकते हैं, आर्मी के जगह जगह कैंप्स लगे हैं, आप अलखिदमत जो जमात इस्लामी वाले हैं इनके कैंप्स लगे हुए हैं, ईदी साहब हैं, जीडीसी हैं, आई डोंट माइंड, आप किसी को भी डोनेशन दें, ठीक है, जो आपकी जेब इजाजत दे। और इस ग्रुप में जो है वो सिर्फ पोस्ट कर दें उस स्लिप, क्योंकि वो स्लिप भी देंगे आपको। और रिमेम्बर दैट जिस इदारे को भी आप डोनेशन दें उनसे स्लिप लें, वहां वो 100 रुपए की क्यों ना हो, क्योंकि उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होती है। तो आप लोग सिर्फ इतना कीजिएगा, यार मेरी वॉइस सबको तो क्लियर है, सब इंशाल्लाह भी कह रहे हैं, एनीवेज, तो सब आप लोग इतना कीजिएगा कि इस किसी को पैसे नहीं देने, सिर्फ आप किसी भी इदारे को उनसे स्लिप लेके और इस जितना इस ग्रुप में पोस्ट करेंगे मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, और इवन कासिम भाई को भी बहुत खुशी होगी। तो आपने जब 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये या अपनी तरफ से जो भी है आप लोगों ने डोनेट करके मेरे जो ग्रुप है गूगल एड्स पर दानिश खान उसमें लगा देना है, मुझे बहुत खुशी होगी। या मुझे प्राइवेट भेज दें, आपको तशहीर करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फीस है। 100 रुपये भी अगर आप देंगे ना डोनेशन में, आई डोंट माइंड, मुझे भी नहीं देने यार, किसी को भी देते हैं, किसी भी इदारे को, किसी भी कैंप को देके रिसिप्ट जरूर लीजिएगा, अपने पास रखिएगा, ठीक है, ये मेरा मकसद है और इस सेशन का मेन मकसद भी यही है। एनीवेज, अब हम शुरू करते हैं गूगल एड्स से। मैंने आपको बताया गूगल एड्स और गूगल एडसेंस दो अलग अलग चीजें हैं। गूगल एडसेंस जो है वो पब्लिशर प्रोग्राम है और गूगल एड्स जो है वो एडवर्टाइजर प्रोग्राम है। गूगल एड्स के जरिए आप अपनी सर्विस को, अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी वेबसाइट को एडवर्टाइज कर सकते हैं ऑल ओवर द इंटरनेट, ऑलमोस्ट 70-80%। तो ये कहाँ कहाँ एडवर्टाइज होती है, किस तरह से ये एडवर्टाइज करते हैं, उस सारा सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये बेसिकली एक ब्रोकरेज का काम करता है, गूगल एडसेंस भी, गूगल एड्स भी। गूगल एड्स लोगों से पैसे लेता है, इन्वेस्ट करवाता है और एड्स लगवाता है, और गूगल एडसेंस वाले जिनकी वेबसाइट होती है वो उसको पब्लिश करते हैं अपनी वेबसाइट्स में। भाई मिस सना कह रही हैं कि वी आर ऑलरेडी डूइंग इट फॉर सपोर्ट स्मॉल एनजीओ नेम एफटीपी। यार देखें, ये मार्केटिंग यहाँ नहीं करें, मैंने आप लोगों को पहले बोला है कि जिधर भी डोनेशन करनी है आप लोग करें, ठीक है। हाँ जी, ये रिकॉर्डेड सेशन है यार, मैं बाद में भी दूंगा, सबको लिंक मिलेगा, तो ये जिसको भी आप डोनेशन दें मुझे मसला नहीं है। अब ये बात खत्म हो गई ना, अब मैं लेक्चर पे आ रहा हूँ जो जिस चीज के लिए स्टार्ट किया है। तो गूगल एडसेंस क्या कर, गूगल एड्स एडवर्टाइजर से पैसे लेता है, आप भी एडवर्टाइजर बन सकते हैं, और गूगल एडसेंस वाले जो हैं, जो जिनकी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो इसको पब्लिश करते हैं अपने अपने ब्लॉग्स पे, अपनी अपनी वेबसाइट्स पे। तो ये ब्रोकरेज होती है, गूगल एड्स पैसे लेके थोड़े से पैसे गूगल एडसेंस वालों को देता है, एक शेयर, और एक शेयर अपने पास रखता है, ठीक है, और इस तरह से एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म रन होता है। लेकिन एक चीज होती है सर्च एड। देखें, जब आप google.com पे जाते हैं, रेंट अ कार, आप ये लिखते हैं गूगल पे जाके, तो आप देखते हैं शुरू में ये जो एडी लिखा आ रहा है शुरू के 3 या 4 पे, या टॉप 3 पे, या टॉप 4 पे, या बॉटम से नीचे टॉप 3, बॉटम 2 3 पे, जो भी ये जो एड लिखा आ रहा होता है ना, ये एड्स होते हैं, ये जो शो होते हैं ना, ये गूगल एड्स के जरिए शो होते हैं, ठीक है। और इसके नीचे जो रिजल्ट आते हैं इसको ऑर्गेनिक रिजल्ट बोलते हैं, ये आते हैं एसईओ की मदद से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से। तो इसमें ये क्यों आते हैं ऊपर, इनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, इन्होंने बहुत मेहनत की होती है, बहुत ज्यादा ब्लॉग्स होते हैं इनके, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, रेलेवेंट चीजें होती हैं, और ये जो आते हैं ये पैसे लगाकर आते हैं। अब पैसे लगाने वाला एसईओ वाले से ऊपर इसलिए आता है क्योंकि वो गूगल को पे ऑफ करता है इस चीज का, ठीक है, एड लिखा हुआ है आगे, और बाकियों के आगे एड नहीं लिखा होता, ठीक है, देखिए इसमें एड नहीं लिखा हुआ। तो आप भी इसी तरह से जब गूगल एड्स सीख जाएंगे तो आप भी इसी तरह से एड्स लगा सकते हैं, किस तरह वो इंशाल्लाह ताला हम कवर करेंगे। अच्छा, इसमें जो सबसे मेन चीज है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो देखिए, आप ये स्किल सीख कर अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, अपने फैमिली बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना सकते हैं और गूगल एड्स के क्लाइंट्स ले सकते हैं। क्लाइंट्स का इंडिविजुअली भी आप घर पे बैठ के भी फ्रीलांस कर सकते हैं, फाइवर पे, अपवर्क पे, पेड लांस पे, जो कासिम भाई ने बनाया पेड लांस, या हिशाम भाई की है, मैं नाम भूल गया, बहरहाल, तो
इस तरह की फ्रीलांस वेबसाइट्स पे आप जाके गिग्स बना सकते हैं, प्रपोजल्स दे सकते हैं और क्लाइंट्स ले सकते हैं। लेकिन उन सब चीजों के लिए आपको गूगल एड्स का आना बहुत जरूरी है। ये एक स्किल्स है, हम आपको मिलीनियर नहीं, मैं आपको मिलीनियर नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको एक स्किल्स दे रहा हूँ। तो डोंट एवर थिंक कि इस स्किल से आप मिलीनियर बन जाएंगे। मे भी बन जाएंगे, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे मिलीनियर बिलीनियर बन जाएंगे, बट सबसे पहले आपको स्किल्स सीखनी है, ठीक है। और ये पूरी ओवरऑल एक स्किल्स है, इसमें टूल भी आता है, गूगल एड्स का डैशबोर्ड भी आता है, इसमें स्ट्रेटजीज भी आती हैं, इसमें बिजनेसेस भी आते हैं, इसमें अलॉट ऑफ थिंग्स हैं। ये पूरा एक प्लेटफॉर्म है, पीपीसी भी बोलते हैं इसको, PPC/Google Ads, पे पर क्लिक मार्केटिंग। तो बेसिकली ये पे पर क्लिक होता है, जो बंदा इस पर क्लिक करेगा वही पैसे देगा, सिर्फ दिखाने के इंप्रेशन के पैसे नहीं होते, क्लिक करने के पैसे होते हैं। CPC भी बोलते हैं, कॉस्ट पर क्लिक या PPC, पे पर क्लिक। तो हम स्टार्ट करते हैं गूगल एड्स से। सबसे पहले आपने आना है ads.google.com पे। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया गूगल एड्स क्या करता है, आपकी प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को, या आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट को या सर्विस को ये मार्केट करता है थ्रू आउट इंटरनेट, ऑन गूगल प्रोडक्ट लाइक यूट्यूब, गूगल और इस जो भी और इस तरह की थर्ड पार्टीज भी जो है वो प्रोडक्ट्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं। तो हम सबसे पहले करते हैं इसमें स्टार्ट नाउ। जब आप स्टार्ट नाउ करेंगे तो आपको ये कहेगा कि आपको जीमेल पे अकाउंट बनाना है, ठीक है। और जीमेल पे आपने अकाउंट बनाया तो ये आपको गूगल एड्स की, जब आप साइन अप करेंगे तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन दे देगा। अच्छा, थोड़ा सा नेट स्लो है, मैं मान रहा हूँ इस चीज को, लेकिन क्या करें यार, पाकिस्तान है भाई। मैं यहाँ से स्टार्ट नाउ करता हूँ अगेन, और मैं बिल्कुल स्क्रैच से आपको अकाउंट क्रिएशन बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, इसमें ना मैंने, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट्स हैं तो मैं न्यू अकाउंट कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात आप लोगों ने इसमें याद रखनी है, वो ये है कि जो जो चीजें मैं एग्जाम्पल दूं ना, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं $10,000 लगाता हूँ, तो आपने मेरी वो बात नहीं पकड़ लेनी। नंबर जो होंगे वो एग्जाम्पल हो, जितने भी नंबर दूं ख्वा मैं, वो सिर्फ एक अजम्पशंस होगी, ठीक है। मैं बोलता हूँ आप $10,000 लगाते हैं, $5,000 लगाते हैं, तो वो अजम्पशंस है, या ₹10,000 लगाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं एग्जैक्टली, नंबर इज जस्ट एन अजम्पशन इन माई ऑल लेक्चर। दूसरी चीज, जो जो चीजें बीच में आती रहेंगी वो मैं कवर करता रहूंगा, ठीक है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे पहले बताने की, लेकिन मैं स्टार्ट करके फिर बता रहा हूँ टाइम की कमी की वजह से। अब जब आप गूगल एड्स पे स्टार्ट नाउ करते हैं, साइन अप करते हैं, तो ये फर्स्ट स्क्रीन आपको इस तरह की देता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या चीज है कि जब आप ये जो स्क्रीन देता है ना, ये गूगल देता है एक्सप्रेस की स्क्रीन, ठीक है। एक्सप्रेस एडवर्ड्स मतलब ये है कि जो बिल्कुल इस फील्ड में नए हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, वो आके कैंपेन बनाना चाहते हैं, तो इसको स्मार्ट कैंपेन भी बोलते हैं, एक्सप्रेस स्क्रीन भी बोलते हैं। हमें इस पे काम इसलिए नहीं करना क्योंकि ये बहुत ज्यादा बिगिनर्स के लिए है। इवन यू कैन डू दैट बिकॉज ये गाइडेंस जो है ना वो अप्रोच है गूगल की, आप स्टेप बाय स्टेप गूगल खुद गाइड करेगा आप। हम इसको कर देंगे यहाँ से स्विच टू एक्सपर्ट मोड। आर यू अ प्रोफेशनल मार्केटर? ऑफकोर्स वी आर, हम प्रोफेशनल मार्केटर ही तो बनना चाह रहे हैं गूगल एड्स पे, वरना ये तो अगर कोई नॉन टेक्निकल बंदा भी उठ के आए और वो नेक्स्ट 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 करके गूगल उसको गाइडेड इंस्ट्रक्शन दे, वीडियोस दिखाए और वो कर सकता है। अच्छा, उसमें भी ऐसा होता है, मैं आगे चल के बताता रहूंगा। उसके नीचे है नीड हेल्प, अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए गूगल एड्स से रिलेटेड, तो आप मोर हेल्प ऑप्शंस में आके हेल्प देख सकते हैं, हम इसको बाद में कवर करेंगे। फॉर नाउ मैं स्विच टू एक्सपर्ट मोड कर रहा हूँ। अच्छा यार, आप लोगों से मेरी एक माजरत ये भी है कि देखिए मैं ना प्रोफेशनली अच्छा वर्क चेस्ट, हाँ जी सॉरी, श्याम भाई की है वर्क चेस्ट, तो उसमें भी आप कर सकते हैं गूगल एड्स। अच्छा, मैं एक माजरत ये करने लगा था कि देखिए ना मैं प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर हूँ, ना मैं मेंटोर हूँ, ना मैंने कभी लाइव सेशन इस तरह से रिकॉर्ड करवाए। पिछले दिनों एक दो मैंने सेशन दिए हैं और ऑनलाइन भी दिया था सेशन आई स्किल्स इस्लामाबाद में, कबीर भाई जहाँ होते हैं, और इस तरह से मैंने एक दो जगह और मेरा सेशन दिया था, लेकिन वहाँ पे भी मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, और इन लोगों ने भी मेरे नाम पे
अल्लाह ना करे किसी ने भी कोई चार्ज नहीं किया, तो आप लोग भी इस बात का ख्याल रखें, अगर मेरी कोई रिकॉर्डेड सेशन रिकॉर्डेड वीडियो डालता है तो मेरे नाम पे किसी भी किस्म के कोई चार्जेस ना ले किसी से भी, ठीक है। कहीं 500 रुपये में दानिश खान का कोर्स बिक रहा हो, 200 रुपये में बिक रहा हो, यार ये नहीं करना। आपको देना ही है फ्री में दे, मैंने आपको फीस बता दी है कि डोनेशन दे दें 100 रुपये से लेके जो आपकी जेब इजाजत दे, ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा। और जो सबसे ज्यादा डोनेशन देगा, मैं उस अगर उसका अपना बिजनेस होगा मैं खुद उसकी कैंपेन रन करूंगा, ये मेरा वादा है। अगर कोई बिजनेस इन्वेस्टर है यहाँ पे तो मैं, अगर कोई सबसे ज्यादा डोनेशन देगा इस सलादकान में किसी भी इदारे को पर्सनली, तो मैं उसकी पर्सनल कैंपेन बनाऊंगा गूगल एड्स पे, और उसका पर्सनल जो है वो बिजनेस उसको गूगल एड्स के बारे में सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है, ये मुकाबला लगेगा आप लोगों में कि कौन कितना करता है भाई। ये रिकॉर्ड होगी यार, बिल्कुल रिकॉर्ड होगी, ठीक है। लेकिन प्लीज काइंडली दो बातों का, एथिक्स का ख्याल रखना है आपने, कि आपने सेल नहीं करना। दूसरी बात ये है कि नॉन इथिकल अनएथिकल चीजें और इलीगल चीजों पे नहीं पढ़ना, क्योंकि गूगल हर चीज के प्रॉन्स एंड हर चीज का फायदा नुकसान होता है। इसी तरह गूगल एड्स पे भी गलत काम भी होते हैं, और एक्चुअल वो गूगल पूरी कोशिश करता है कि गलत काम ना हो गूगल एड्स के जरिए, लेकिन फिर भी देयर इज बेस, चोरों के लिए बहुत रास्ते होते हैं। तो वो सारी चीजों से हट जाए, ना मैं वो सिखाऊंगा, ना मुझे उनके बारे में पता, और ना मुझसे कोई पूछे उस बारे में, ठीक है, कि सर ये कैसे होगा वो कैसे होगा। अब मैं बताता हूँ गलत सही चीजें होती क्या है। अच्छा, मैंने अकाउंट से एक्सपर्ट मोड पे किया था, तो वो मुझसे पूछता है कि व्हाट इज द बिजनेस नेम, बिजनेस नेम क्या है। आप कुछ भी दे सकते हैं, मिसाल देता हूं मैं रेंटा कार, ठीक है, आपकी वेबसाइट का एड्रेस क्या है, मैं देता हूं रेंटा कार .com, मैं नेक्स्ट करता हूं, ये रिव्यू करेगा वेबसाइट को, अच्छा जी, कोई फोन नंबर है आप लगा सकते हैं, कोई यूट्यूब चैनल है आप लगा सकते हैं, फिलहाल इसको बाद में देखेंगे, मैं स्किप कर रहा हूँ, जो चीज मैं बोलूंगा बाद में देखेंगे वो बाद में देखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है मैं टोपी करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैं अगर इन चीजों में अभी से उलझा दिया ना आपको, फिर जो मैं सिखाने लगा हूँ वो आप नहीं सीख पाएंगे, ये चीजें सारी आगे आएंगी। अच्छा देखें, आपकी आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है, उस पर लोग आते हैं और लोग आके देख के चले जाते हैं उस पे, जैसे मिसाल है आपकी रेंटा कार की वेबसाइट है, अगर कोई आपको कॉल करके कोई आपसे गाड़ी बुक कर लेता है, इसका मतलब वो आपको आपसे उसने परचेस कर लिया सर्विस या प्रोडक्ट या वॉट एवर, तो आपका गोल क्या होना चाहिए। आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स टाइप की है कि लोग आए उधर ही बाय करें और चले जाएं, तो परचेजेस होगा गोल। अगर आपका कोई बिजनेस कंसल्टेंसी का है, लाइक आपका कोई इंस्टीट्यूट है और आप चाहते हैं कि मेरे पास आए लोग, क्यूरी डालें, एक फॉर्म फिल करें और जाएं, तो लीड फॉर्म सबमिशन कहते हैं उसको, कि फॉर्म सबमिशन, कोई भी फॉर्म होता है ना, नेम, ईमेल और डिटेल, इस तरह से उस वो आपका गोल होना चाहिए, या आपका गोल होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट पे लोग आए कॉल करें। गोल क्या होता है, अल्टीमेटली आप जो चाहते हैं यूजर से, जो आपकी वेबसाइट पे आप करवाना चाहते हैं, वो गोल होता है अल्टीमेटली इन द लास्ट। उन सब चीजों के लिए आप ये सब करते हैं, कोई ऐप है वो डाउनलोड करवाना है, या सिर्फ पेज व्यूज करवाने हैं। इसी तरह सी मोर में फिर सेल से रिलेटेड आता है, एड टू बास्केट, बिगिन चेकआउट, परचेज सब्सक्रिप्शन, लीड, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। मैं इसको भी स्किप कराता हूँ, अभी हम कोई गोल सिलेक्ट नहीं कर रहे। अच्छा जी, आप अपना जो है वो कैंपेन किस तरह बनाना चाहते हैं, यूट्यूब पे या सर्च एड पे। सर्च एड जो होते हैं वो मैंने आपको बताया, ये जो गूगल डॉट कॉम पे सर्च इंजन पे जो एड्स आते हैं, जैसे रेंट अ कार, ये वाले जो एड्स कहलाते हैं जो यहाँ आ रहे हैं, इसको सर्च नेटवर्क एड्स बोलते हैं, जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है। इसमें और भी टाइप्स होती हैं, डिस्प्ले, आप वेबसाइट्स में बैनर वगैरह देखते हैं वो डिस्प्ले नेटवर्क कहलाते हैं, कोई ऐप डाउनलोड करवानी है वो आप ऐप कर सकते हैं। मैंने इसको सर्च सिलेक्ट किया क्योंकि हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो सर्च की लेंगे। अच्छा जी, मैं नेक्स्ट करता हूँ इसको, अच्छा मेन चीज होती है बजट, आपका बजट कितना है। देखिए ना, हर कंपनी का, हर बिजनेस का एक मार्केटिंग बजट होता है, तो गूगल एड्स का भी एक मार्केटिंग बजट होता है, डेली का,
मिसाल है कि 1,000 रुपये बजट है आपका या 100 रुपये बजट है, तो आप बजट पहले डिफाइन करेंगे ताकि उस हिसाब से गूगल एड्स दिखाए। अच्छा, बिडिंग अभी मैं यहाँ पे सिर्फ इसको छोड़ूंगा क्योंकि दिस इज द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बिडिंग। मैं जस्ट आपको कैंपेन सेटअप करने का एक वे बता रहा हूं कि आप खुद से बैठ के ये कर लें और जो जितनी टेक्निकल चीजें हैं वो बाद में आती है। हम चाहते हैं कि हम पे करें पे पर क्लिक कितना, अगर 1,000 रुपये बजट है मैं कहता हूँ 10 रुपये पर क्लिक मेरी वेबसाइट पे, तो इसका मतलब है डेली 100 क्लिक आएंगे, 100 × 10, इससे ज्यादा ये एवरेज है, 11-12 भी क्लिक हो सकते हैं। 1,000 का बजट मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली 1,000 लगे, कभी 900 भी लग सकते हैं, कभी 1,100 भी लग सकते हैं, मोर ऑर लेस होता है। फिर मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि आप जो चाह रहे हैं, मैंने आपको बताया सर्च नेटवर्क ये वाले होते हैं और ये एक डिस्प्ले नेटवर्क भी होता है। बाज अवकात हम यूट्यूब पे जाके कुछ सर्च करते हैं तो वहां पे भी एक बैनर आ जाता है। मैं अभी इसको हटा देता हूँ, इसको भी हम बाद में देखेंगे, और सिर्फ सर्च नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ। किस लोकेलिटी में, मतलब किस जियोग्राफिक लोकेशन में आपका बिजनेस है, आप उसको टारगेट कर सकते हैं। मैंने बोला मैं सिर्फ पाकिस्तान में बिजनेस करता हूँ। अच्छा, ये चीज भी हम आगे चल के मजीद डिटेल में देखेंगे। लैंग्वेज आपने फिलहाल यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट की हुई है, फिर आप इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा, ये सारी बातों के बाद मैं फिर आपको आगे चल के और कुछ बताता हूँ, ये पहले मैं कंप्लीट करूं। अब देखें होता क्या है, आप हर स्टेप पे वापस पीछे भी आ सकते हैं। जैसे ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो है एक पूरा बार है, इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको लेके चल रहा है कैंपेन सेटिंग, कैंपेन बनाने के लिए, तो आप वापस भी पीछे आ सकते हैं, लेकिन वो सेव करके पीछे आएगा। जैसे अब मैं कैंपेन टाइप पे आ गया, वापस सर्च हुआ हुआ था, मैंने नेक्स्ट कर दिया, मैं वापस पीछे आके आगे आ रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बजट पे बात हुई, हमने मैं वापस आ गया, फिर मैं बिल्डिंग पे आ, देखिए मैं वापस पीछे आके आ गया हूँ, डिस्प्ले नेटवर्क, लोकेशंस, लैंग्वेज, फिर मैं नेक्स्ट पे आया। अच्छा जी, अब अगर आपका रेंटर कार का बिजनेस है तो ऑफकोर्स अब ऐसा तो नहीं है कोई कुछ भी लिखे और आपकी वेबसाइट खुले, ये तो इरेलेवेंट मार्केटिंग है ना, तो आपने कुछ कीवर्ड्स देने होंगे, रेंटर कार, ठीक है, मैंने एक कीवर्ड दे दिया, आप पूरी लिस्ट यहां बना सकते हैं और ये आपको आइडिया भी दे सकता है। अगर आप रेंटर कार यहां लिखेंगे और इसको अपडेट कीवर्ड्स करेंगे तो यहाँ पे ये काफी सारे आइडियाज भी दे देगा आपको कीवर्ड्स के। अच्छा, इसको भी हम आगे चल के देखेंगे। अब क्या चीज है, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ गूगल एड्स के अकाउंट क्रिएशन का, ये सारी चीजें डिटेल में आएंगी। अब देखिए इसने आपको कुछ कीवर्ड्स दे दिए, रेंटा कार, चीप रेंटा कार, ऑनलाइन रेंटा कार, बुकिंग रेंट, कार रेंटल, ठीक है, बेस्ट कार रेंटल साइट, और अब लास्ट, अब जो है हमारा स्टेज है एड्स का, कि आपकी वेबसाइट ये थी, अब ये एड्स आप बेसिकली बनाते हैं और यहाँ पे ये एड्स प्रीव्यू दिखाएगा, ये जो है ना, ये इसमें आपको जो भी आप रखेंगे, मिसाल है मैं रहता हूँ, लेता हूँ कार रेंटल नियर मी या रेंटा कार, मैं पहले इसकी हेडलाइन रख देता हूँ, हेडलाइन वन, ठीक है, बेस्ट सर्विस और मैं इसमें रख देता हूँ 100 या अफोर्डेबल प्राइस या चीप प्राइस। चीप वैसे ना एक बहुत अजीब सा लफ्ज है, चीप खुद एक बताते खुद एक गंदा वर्ड है, तो इसकी जगह आप अफोर्डेबल कर दें या डिस्काउंटेड प्राइस कर दें, वॉट एवर, ये भी हम बाद में देखेंगे एड कंटेंट्स के ऊपर। मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए, मैंने 3 हेडलाइन आपको देना जरूरी होती है, हेडलाइन वो होती है जो एड में यहाँ आ रही होती है, ठीक है, ये हेडलाइन है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये 3 पार्ट्स में या मल्टीपल पार्ट्स में हो सकती है, और इसके नीचे ये जो होती है ये एड डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है, जैसे इसने ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है, आप जो है वो 3 देना लाजमी है, लेकिन आप कितनी दे सकते हैं, आप इसमें मजीद दे सकते हैं हेडलाइंस, इसमें लिखा हुआ भी है, देखें हर चीज वो बताएगा कि ये जो 3 है ये रिक्वायर्ड है, 1, 2, 3, और आप किसी को पिन भी कर सकते हैं, पिन का मतलब वो लाजमी दिखेगी। अब मैं इसमें भी एक एक
एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन आप बड़ी कर सकते हैं, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, डन करता हूँ यहाँ से, ये आपका एक ऐड बन गया। मैं नेक्स्ट करता हूँ, ये एक्सटेंशंस पूछेगा। एक्सटेंशंस क्या होती हैं, ये इस तरह से जो आ रही है ना हायरार्किकल स्ट्रक्चर, या ये देखें बोल्ड हुआ हुआ है, या इधर फोन नंबर आ रहा है, ये एक्सटेंशंस कहलाती हैं। इसको भी हम मजीद डिटेल में पढ़ेंगे, मैं अभी कोई एक्सटेंशन नहीं देता और इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अच्छा, और ये अब रिव्यू कह रहा है, मैं नेक्स्ट करूंगा, और अब ये आपकी आएगी बिलिंग डिटेल, ये लास्ट स्टेज होता है, ठीक है। जब आप सबमिट करेंगे आपकी कैंपेन आ जाएगी। अब मैं यहां तक छोड़ूंगा, कार्ड डिटेल देंगे आप यहाँ पे, सारी अपनी पर्सनल डिटेल देंगे, ठीक है, और पेमेंट प्रोफाइल आपकी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी गूगल में, और या वहां से भी आप कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक ऑटोमेटिक पेमेंट, एक मैनुअल पेमेंट। ऑटोमेटिक पेमेंट ये होती है कि गूगल ऑटोमेटिकली पर मंथ जो है वो डेली के आपसे, या जो भी जब उसका वो थ्रेशोल्ड कंप्लीट होगा, वो आपका चार्ज करना शुरू कर देगा कार्ड से। तो अगर आपको पेमेंट्स का कोई इशू नहीं है, आपका कॉर्पोरेट कार्ड है, आप ऑटोमेटिक पेमेंट रख सकते हैं, अदरवाइज आप मैनुअल पेमेंट भी रख सकते हैं। मैनुअल पेमेंट में आप गूगल को बता देंगे, पैसे दे देंगे, मतलब 10,000 ये मैंने आपको पे कर दिए, फिर वो उसी से काटता रहेगा। सबमिट करेंगे, जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अब जो जरूरी बातें हैं ना, वो मैं कुछ डिस्कस करने लगा हूँ आपसे गूगल एड्स के हवाले से। अब यहां तक आपने देखे, मैंने आपको गूगल एड्स का ओवरव्यू दिया है अकाउंट क्रिएशन का, लेकिन अभी तक यहां से आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट टाइम मैं आपको अकाउंट के अंदर से भी, मतलब जब आप लॉगिन हो जाते हैं, डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, वहां से भी नई कैंपेन बनाना सिखाऊंगा। अच्छा जी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो गूगल एड्स पॉलिसीज हैं। अगर आपने गूगल एड्स पॉलिसीज नहीं पढ़ी और आपको नहीं पता कि आप कौन सा बिजनेस गूगल पे कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते, तो आपका गूगल एड्स सीखने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, मैं आपको लाजमी सजेस्ट, मतलब ये आपको लाजमी पढ़नी है गूगल एड्स पॉलिसी। कहाँ पे आएंगी ये? support.google.com एड्स पॉलिसी, ठीक है, या आप गूगल एड्स पॉलिसी गूगल पे लिखेंगे वो बता देगा। ओवरव्यू ऑफ अवर पॉलिसी, अब ये बताता है कि प्रोहिबिटेड कंटेंट, जो मतलब जो आप एड्स चला सकते हैं या रेस्ट्रिक्टेड हैं या बिल्कुल नहीं चला सकते, या उसकी जो रीच है वो कम है, वो किस तरह के बिजनेसेस हो सकते हैं। मिसाल देता हूँ मैं आपको, अल्कोहल, सिगरेट, गैम्बलिंग, पोर्नोग्राफी, ये चीजें आप गूगल एड्स पे मार्केट नहीं कर सकते, ठीक है। और जो लिमिटेड उसमें आप, जैसे अब्यूसिंग एड नेटवर्क, अगर कोई किसी किस्म का इररिलेवेंट एड है, या कोई आप क्लॉकिंग कर रहे हैं, या आप मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आपका बिजनेस कुछ और है, आप बेच कुछ और रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं, या आप असला बेच रहे हैं, वो अलाउ नहीं है चीजें, ठीक है, एज पर दी गूगल एड्स पॉलिसीज। तो सबसे पहले आप सब ने गूगल एड्स पॉलिसीज को अच्छी तरह याद करना है, क्योंकि अगर आप फाइवर पे गिग डालेंगे, आप कहीं पे भी जाएंगे, कोई क्लाइंट आपके पास आएगा तो वो आपको बोलता है कि यार आप मेरी, मेरा मेडिकल मेडिसिन का बिजनेस है, आप मेरी मेडिसिन सेल करें ऑनलाइन, वो हो ही नहीं सकती। और आप उसको लारे लप्पे देकर आ जाए, नहीं नहीं मैं सेल करूंगा, मैं ये करूंगा, और फिर वो आपको फाइवर पे रिव्यू भी गंदा दे, चार्जबैक भी मारे, और फिर बात खराब होगी। तो सबसे पहले गूगल एड्स पॉलिसी आपने अच्छी तरह पढ़नी है, नंबर वन। सेकेंड चीज, जो भी बिजनेस आप लेंगे, जो भी बिजनेस, चाहे वो क्लाइंट का हो चाहे वो आपका अपना हो, आपको नेचर ऑफ बिजनेस बड़े अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है कि भाई अगर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, लाइक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का बिजनेस है, तो आपको पता होना चाहिए कि यार इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन कितना है, इसका एक्सपेंस कितना है, इसकी शिपिंग कॉस्ट कितनी है, या अगर हम डिलीवर करते हैं तो डिलीवरी कितनी है। और इसी तरह अगर सर्विस बेस्ड है, अगर कोई आपका इंस्टीट्यूट है, अगर आपका कोई स्कूल है, आप उसका बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आपको उसकी भी जो है प्रॉफिट मार्जिन पता होना चाहिए। तो अगर आपको नेचर ऑफ बिजनेस, ये बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस पॉलिसीज होती हैं ऑन गूगल एड्स, अगर आपको नेचर ऑफ बिजनेस नहीं पता, आप उठ के आ जाए, नया बिजनेस आपके सामने आ जाए, आप गूगल एड्स इवन आपको आता है, आपके पास स्किल्स है, लेकिन आपको बड़ा टाइम लगेगा, तो पहले बेहतर ये है कि अपनी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंप्लीट करें, अपनी एनालिसिस कंप्लीट करें उस बिजनेस के हवाले से। आगे चल के मैं बताऊंगा वो किस तरह से होती है, क्या होता है, लेकिन जो नॉर्मल, जैसे आप यार आप एक एक, एक बिजनेस करने लगे नया, आपको, आपने मिसाल है कोई भी बंदा उठ के बोलता है यार मुझे मोबाइल का बिजनेस करना है, आपको कॉस्टिंग ही नहीं पता बिजनेस की, जैसे कि मोबाइल की खरीद इतने की है, फरोख्त इतने की, इसमें प्रॉफिट मार्जिन इतना है, तो आप उस पर जो है वो अच्छा काम नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसा तो नहीं जितने का लिया उतने का बेच दिया, उस पर ऑफकोर्स कोई ना कोई एक्सपेंस आए होंगे, तो जो अदर एक्सपेंसेस में, जो अगर आप गूगल एड्स चला रहे हैं तो ये भी एक एक्सपेंस है। मेरी बात समझ आ रही है?
अच्छा भाई, मैं अब थोड़ा सा यार बीच में वॉइस एयर है, गूगल एड अकाउंट कैन लॉग इन इफ समवन ऑलरेडी हैव एड गूगल अकाउंट दे कैन लॉग डायरेक्टली विद नो। भाई जिसके पास गूगल एड अकाउंट है यार, देखिए मैं ना क्वेश्चन आंसर का एक टाइम देता आप लोगों को पहले, तो अब आप लोग बीच में ही शुरू हो गए, मैं आप सबको टाइम दूंगा और ये जितने क्वेश्चन इन सबका आंसर भी करूंगा, तो आप करते जाएं क्वेश्चन, मैं ऊपर से आके आंसर करूंगा इंशाल्लाह। तो गूगल एड्स पॉलिसीज पढ़े हैं, नेचर ऑफ बिजनेस को समझें, ठीक है, और उसके बाद गूगल एड्स क्या है। अच्छा अब मैं आपको ये भी बताने लगा हूँ यार, सॉरी मैं थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी लेके चलता हूँ चीजों को, क्योंकि उसकी वजह ये है कि देखें टाइम की कमी की वजह से ना, मैं मेरा अपने बिजनेस है, मेरी अपनी चीजें हैं। तो अब देखें गूगल एड्स जो है ना, जैसे कासिम भाई ने बोला था, हाईली पेड स्किल है ये वाकई हाईली पेड स्किल है, इसके काम करने वाले नहीं मिलते, ठीक है, क्योंकि इसकी इसके जो एक्चुअल जो जो बहुत ज्यादा इसके खिलाड़ी हैं गूगल एड्स के, वो या तो अपना बिजनेस कर रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर बैठ के बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स के साथ वो कोलैब कर रहे हैं। और आजकल हर किसी को गूगल एड्स की जरूरत पेश आ रही है, जैसे फेसबुक में मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है आजकल हर किसी को, और ये हाईली पेड स्किल है। इवन कि अगर आप इसको सीख के कहीं जॉब भी करते हैं तो बहुत ज्यादा आपके लिए फायदा है। अच्छा अब मैं भी इंसान हूँ यार, मुझसे भी गलती हो सकती है, कुछ चीजें मैं भी भूल सकता हूँ, रह सकती हैं। तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको गूगल एड्स सीखना है ना, मतलब खुद से, और मैं ये सजेस्ट करूंगा आप खुद से सीखें, और यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां से आप सीख सकते हैं, तो गूगल एड्स का अपना यूट्यूब पे एक ऑफिशियल वेरीफाइड चैनल है जिसके 554 सब्सक्राइबर्स भी हैं, और मैं नहीं समझता कि इससे अच्छी टूल से रिलेटेड, ऑफ कोर्स ये आपको टूल सिखाएगा, स्ट्रेटेजी नहीं सिखाएगा, ये आपको नेचर ऑफ बिजनेस रिसर्च एनालिसिस इस उस डेप्थ में नहीं समझाएगा जो जो एक एक्सपीरियंस पर्सन समझा सकता है, लेकिन टूल से रिलेटेड, छोटी छोटी चीजों से रिलेटेड, 5 5 मिनट की, 3 3 मिनट की वीडियोज हैं यार, आप लोग ये देखें जाके, ये मैं सजेस्ट करूंगा, इनके अपने एम्प्लॉयज बना रहे हैं, और इनसे अच्छा इन्फ्लुएंसर तो मैं भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता, मुझ जैसे 36 बैठे हुए गूगल एड्स में, गूगल में। तो आप इससे जो भी आपको सीखना हो ना, आपने इधर उधर नहीं भटकना, पेड कोर्सेज नहीं लेने, यूडीमी फलाना ढिमकाना, इवन मैं भी पेड कोर्स बेचूं आगे चल के, देखे ना वो एक सवाल है ना कि निशाने हैदर जो है वो जिंदा को नहीं मिलता, क्योंकि उसकी जो सबसे बड़ी जो निशाने हैदर की जो रिक्वायरमेंट है वो शहीद होना है, शायद बहुत कम लोगों को पता हो, जैसे कि MM आलम साहब है जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है उनका कि उन्होंने इतने सेकंड में इतने जहाज गिराए, लेकिन उनको निशाने हैदर नहीं मिला। बचपन में मेरे जहन में सवाल आता था यार, उन्होंने इतना बड़ा काम किया, उनको निशाने हैदर नहीं मिला, तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट होती है शहीद होना। जब मुझे ये पता पड़ा, मुझे बड़ी हैरत भी हुई, बड़ी खुशी भी हुई, क्योंकि सबसे बड़ा वो है मिलिट्री और सिविल एजाजों में सबसे बड़ा एजाज है निशाने हैदर। तो इसी तरह यार गूगल एड्स का अपना मौजूद है, इवन मेरा भी भाई, मेरा भी कोई भरोसा नहीं है, कल को यार मैं भी, मेरा ये मिसाल देने का मकसद ये था, कल को आप कहीं मुझे भी देख रहे हो कि मैं भी कोई कोर्स सेल कर रहा हूँ, तो यार आप मेरे से नहीं लेना भाई, किसी से भी नहीं लेना, ठीक है। गूगल एड्स से रिलेटेड क्या है जो देखें, मैं मानता हूं, मैं इस बात को एग्री करता हूँ, बहुत सारे मंजन सेलर्स हैं मार्केट में, अजीब अजीब से इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, इवन उनको टेक्निकल नॉलेज उनके सब्जेक्ट में, खुद के सब्जेक्ट में नहीं पता, और वो आके जो है उन्होंने फलाने वो खोल दिया, फलाना ये खोल दिया, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट उन सब चीजों में कुछ लोग जेन्युइनली भी लोगों को सिखा रहे हैं, बेशक वो पैसे लेते हैं, लेकिन यार देखो उनकी कदर करो जो जेन्युइनली सिखा रहे हैं, इवन फ्री में या पैसों में, क्योंकि देखिए ना उनके खिलाफ रिव्यूज नहीं है, वो रिफंड पॉलिसी दे रहे हैं कि भाई अगर कोई हमसे सेटिस्फाई नहीं, हमसे आके रिफंड ले जाए, तो यार उसमें क्या एतराज है लोगों को। मेरा मकसद ये है कि दो तरह के अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर फील्ड में होते हैं, सबको एक ही जो है ना वो एक ही, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो सबको एक ही जैसा नहीं देखा करें, एक ही नजर से नहीं देखा करें, अलग अलग किस्म के कुछ अच्छे इदारे अच्छे लोग भी हैं जो इवन पैसे लेते हैं और सिखाते हैं लोगों को, डिलीवर करते हैं, लोग उनसे खुश भी हैं, तो वो अलग हैं। फिर कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही जो है वो स्कैम ग्रुप चला रहे हैं, वट एवर, एनीवेज, तो मेरा समझाने का मकसद था कि यार देखिए गूगल एड्स का एक फ्री जो टूल सिखाने, जो डैशबोर्ड उनका, जो अकाउंट क्रिएशन, उनकी छोटी छोटी चीजें सिखाने के लिए उनका अपना चैनल है, जहां से सीखे बेस्ट है। और जो मैं लेक्चर में कवर करूंगा, ऑफकोर्स मैं भी जो है वो ये सब चीजें देख चुका हूंगा या मैंने भी सीखी होंगी, वट एवर, लेकिन मेरा
मेरा आप लोगों के साथ बैठ के सेशन देने का जो मेन मकसद है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, अपनी टेक्निकल स्किल्स शेयर करना है कि यार ये करोगे तो ये ना हो जाए, ये ना करो तो ये हो जाए, इस ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इस बिजनेस में ये होता है, ये केपीआई बनती हैं, ये आरओआई बन जाता है आखिर में आके, मेरी डेप्थ में समझाना है मेरे मेरी सेशंस में। तो और ये आपको बहुत जगह मिल जाएगा, मेरे जैसे और भी यूट्यूब पे मौजूद हैं, फ्री में सिखा रहे हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, इंडिया से, पाकिस्तान से, दुनिया भर से हैं। तो आप लोग सीखें यार इस चीज को, जो है वो सीरियस लें, पेन कॉपी लेके बैठे हैं, बातों को लिखे हैं, जैसे मैंने बताया आपने गूगल एड्स पॉलिसीज को पढ़नी है, ये लिखे हैं अपने पास नोट में, ये गूगल एड्स का यूट्यूब चैनल है, इसकी छोटी छोटी चीजें देखनी है, ठीक है, खुद से रिसर्च करें, खुद से आगे बढ़ें। जब आप खुद से सवाल करेंगे सर ये ऐड में और इस नेटवर्क सर्च नेटवर्क में और डिस्प्ले नेटवर्क में क्या फर्क है, तो मुझे खुशी होगी कि आप लोग खुद पढ़ के आए। तो काइंडली आप लोग खुद से भी इस पे रिसर्च करें, खुद से भी इसको स्टडी करें, खुद से भी इसकी वीडियोज देखें, सीखें, और फाइवर पे जाएं। अभी आपको फाइवर पे मिसाल दे देता हूँ मैं आके, कि देखें जो आजकल बहुत ज्यादा फ्रीलांस सर्विसेज में ऊपर है, गूगल एड्स में लिखता हूँ फाइवर पे आके, देखें इसकी प्राइसिंग चेक करें आप, बस 1,37,000 से स्टार्टिंग है वेरीफाइड, फिर 68,000, 19,000, 12,000, 10,000, मतलब आप देखें ये 9,000 की सबसे कम गुजरी है मेरी नजर में, ये वाली इंडियन पाकिस्तानी बेस्ट स्किल है यार, बेस्ट स्किल है। तो आप लोग सीखें इस चीज को भाई, आप लोग सीखें, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के साथ काम करें, फाइवर पे गिग्स बनाएं, अपने आप को इस फील्ड में पॉलिश करें, तो ये मेरा मकसद है। तो अच्छा, अब मेरा यहाँ तक का मैंने आपको देखें ओवरव्यू बता दिया है, आपको बता दिया है गूगल एड्स पॉलिसीज के बारे में बताया, आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कौन सा बिजनेस अलाउ है और कौन सा नहीं है। थर्ड चीज, मैंने आपको यूट्यूब का, गूगल एड्स का अपना चैनल दिया है, और फिर आगे हम इसको फर्दर आगे डिटेल में हम इसको, इसके टूल्स को, स्ट्रेटजीज को डिफाइन करेंगे, कीवर्ड्स एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस वगैरह को। अब मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगा यार। अच्छा, यहाँ से शुरू होता है भाई, वॉइस नहीं आ रही भाई। सबसे पहले तो इसकी वीडियो रिकॉर्डेड है, आपको मिलेगी इंशाल्लाह ताला। और दूसरी चीज है, देयर इज नो पिक्सल कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड टू ट्रैक कन्वर्जन एक्शन, इट इज सिमिलर टू FB। जी सर, इसमें भी होता है, क्यों नहीं होता, टैग मैनेजर है ना, एनालिटिक्स है ना, इवेंट एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं ना आप, कन्वर्जन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, पढ़ेंगे हम। जमान भाई के सवाल का जवाब दे रहा हूँ, वॉइस इज ओके ओके। अच्छा, दूसरा सवाल है सना मोहसिन का, इफ समवन ऑलरेडी हैव गूगल एड अकाउंट सो दे कैन लॉग इन डायरेक्टली और वी नीड टू मेक न्यू अकाउंट। अगर आप लोगों के पास गूगल एड अकाउंट है तो आप उसी को कंटिन्यू करें ना, फिर आपको क्या जरूरत है नया बनाने की। अच्छा, प्लीज हॉरिजॉन्टल फूड इन स्क्रीन हेल्प अस जूम इशू। अच्छा, सस्पिशियस पेमेंट एक्टिविटी क्या है, आमिर रहमान, बहुत जबरदस्त सवाल है सर। सस्पिशियस पेमेंट एक्टिविटी ये होती है कि आपका पहले जो कार्ड है वो गूगल की किसी भी प्रोडक्ट पे उसका जो है वो कोई गलत इस्तेमाल हुआ हुआ, उसने सर्विस ली और चार्जबैक मारा हो, या किसी भी किस्म की कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी आपके कार्ड से परफॉर्म की गई हो, इसीलिए वो सस्पिशियस में डाल देता है। बट वाई वी सॉ दीज थिंग आर ऑन एडवर्टाइजिंग गूगल सर्च इंजन इफ आई डोंट डज नॉट अलाउ दिस। भाई हसान रहीम, कौन सी चीज आपने देख ली, मुझे दिखाएं, ड्रग्स कहाँ सेल हो रही है, हथियार कहाँ सेल हो रहे हैं, एज पर दी गूगल एड्स पॉलिसीज कुछ भी सेल हो रहा हो आप खुद भी उसको जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। देयर आर लूप होल्स ऑल्सो टू डू दैट। बिल्कुल भाई, मैंने बोला ना चोरों के पास बहुत रास्ते होते हैं मोहम्मद नोमान, बहुत होते हैं रास्ते इनके पास। सबको समझ आ रही है, ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट फॉर मी भाई, थैंक यू। कौन थे ये फरहान थे। अब अच्छा, समीर साहब का सवाल है, सर अगर गूगल पर लेट सपोज 3 वेबसाइट पर गूगल एड्स लगे हुए हैं, तो अगर मैं भी एड्स लगाता हूं तो मेरी वेबसाइट गूगल की फर्स्ट फर्स्ट पे शो होगी, और कितने टाइम तक फर्स्ट पे रहेगी। देखो आप सवाल कर रहे हो गूगल पे, गूगल एड्स से रिलेटेड कर रहे हो, तो भाई आपकी शो होगी, बट डिपेंड करता है कि जिस वेबसाइट को आप चला रहे हो उसने आपको परमिट किया हो कि आप ऐड चला सकते हैं, ठीक
ठीक है, उसको कोई मसला ना हो, और जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, दो और हैं या तीन और हैं, वो डिपेंड करेगा आपकी बिडिंग स्ट्रेटेजी पे और आपकी एड रेलिवेंसी पे। बिड आप ज्यादा लगाएंगे, एड रेलिवेंसी ज्यादा होगी, समीत भाई आपका एड सबसे ऊपर आएगा। भाई स्क्रीन नहीं आ रही और फलाना ढिमकाना, एडवांस स्किल्स आज कवर करेंगे या नेक्स्ट टाइम? हाँ हमादुल आरिफीन, हमादुल आरिफीन भाई एडवांस स्किल देखो ना यार, मैंने आपको पहले बोला ये सबके लिए है, बिगिनर्स के लिए भी है और एडवांस लोगों के लिए भी है। ऐसा तो नहीं है ना कि यार मैं आज ही सब कुछ कवर कर लूंगा, आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से एक ओवरव्यू दे दूं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। सर मैक्स बाउंटी कैंपेन को भी गूगल एड्स के थ्रू रन करके अर्निंग कर सकते हैं? भाई आप इस सवाल के लिए बहरोज गूगल एड्स पढ़ें, उसमें आपको सब क्लियर होगा और आप फिर मुझे इसका खुद जवाब देंगे। मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं आप जाके गूगल एड्स पॉलिसीज पढ़ें पहले। लेडीज क्लॉथिंग बिजनेस ओनली इन FB पेज रनिंग गुड विद लाइव सेशन, ये सैयद जैन हैदर पूछ रहे हैं। जाफरी साहब, लेडीज क्लॉथिंग बिजनेस ओनली इन FB पेज रनिंग गुड विद लाइव सेशन, नाउ वांट टू पेड एडवर्टाइजिंग, सो गूगल एड्स और FB एड्स? भाई आप दोनों पे चला सकते हैं, गूगल एड्स पे भी FB एड्स पे भी, दोनों की अपनी अपनी बात है। गूगल एड्स की अपनी बात है, फेसबुक एड्स की अपनी बात है, इसका इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोनों का। सर क्या आप FB एड्स सिखाएंगे फरहान? नहीं यार, मैं सिर्फ गूगल एड्स मुझे आते हैं और मैं वही सिखाऊंगा। मैं रेफर करूंगा, दादा है हमारे यहाँ पे खबीर भाई, वो क्लास ले लेंगे आप लोगों की एक ऑनलाइन। क्लाइंट की कैंपेन गूगल एड्स पर सेटअप करेंगे या अपने अकाउंट पर? सेकेंडरी पेमेंट मेथड भी अपना कार्ड ऐड करना? बेस्ट सवाल है ये अब तक कारबाज, एक्सलेंट सवाल है। क्लाइंट की कैंपेन जो आप करेंगे, गूगल एड्स के दो अकाउंट होते हैं, अकाउंट टाइप टू होती है, एक इंडिविजुअल अकाउंट, एक एजेंसी अकाउंट। जो मैं सही समझता हूँ वो एजेंसी अकाउंट पे सही समझता हूँ, ठीक है, कि आप क्लाइंट की कैंपेन को एजेंसी अकाउंट पे लेके जाएं, मैनेजर अकाउंट पे, ठीक है। मैं नेक्स्ट सेशन में अरबाज आप लाजमी आना, मुझे याद कराना, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा और मुझे भी याद रहेगा अकाउंट टाइप से कितने टाइप के अकाउंट होते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट इसलिए होता है, आप इस पे भी कर सकते हैं, अपना कार्ड लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। मैनेजर अकाउंट वाली गुड, आई होप के क्लियर हो गया होगा। सर टूल को लर्न करने के लिए YouTube गूगल चैनल से कर लेंगे जैसा आपने बताया? इकबाल सिद्दीकी का सवाल है, सर टूल को लर्न करने के लिए YouTube गूगल एड चैनल से यार एक मिनट बाद में बोल, सॉरी यार। इकबाल सिद्दीकी का सवाल है, सर टूल को लर्न करने के लिए YouTube गूगल चैनल से कर लेंगे जैसा आपने बताया, लेकिन स्ट्रेटेजी के लिए आप जूम सेशन में क्लियर कर देंगे क्या? कमेंट YouTube चैनल भी है, कोर्स आउटलाइन बन यार YouTube चैनल से कर लेंगे जैसा आपने बताया। स्ट्रेटेजी के लिए यार मैं सेशन लूंगा ना आप लोगों के, और इसकी यार कोई देखो, मैं प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर या प्रोफेशनल मेंटोर हूं नहीं, मेरे पास गाइडलाइन नहीं है। कासिम भाई ने भी मेरे से मांगी थी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बना दूं, बना सका तो यार आप लोग अपने हिसाब से बना लेना। गाइडलाइन जो ही चैनल, जो गूगल एड्स का जो चैनल है वो बेस्ट चैनल है, ट्रस्ट मी, आप उससे सीखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, छोटी छोटी वीडियोस हैं। अच्छा हुजैफा मुझसे पूछ रहे हैं, इफ समवन वांटेड टू बिकम डिजिटल मार्केटर इट इज नेसेसरी टू लर्न गूगल एंड FB एड्स? FB एंड गूगल एड्स बोथ आर सिमिलियर, इफ यू लर्न गूगल एड्स इसके बाद FB एड्स भी लर्न करना इजी रहेगा? यार आप हुजैफा भाई देखें, अच्छा डिजिटल मार्केटर होने के लिए, देखें ना मार्केटर करता है क्या है, एडवर्टाइजमेंट करता है ना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लेकर आता है, तो उसके लिए यार मेरी मेरे हिसाब से दोनों जरूरी है, गूगल एड्स भी जरूरी है और फेसबुक एड्स भी जरूरी है। और हाँ कई जगहों पर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी तरह एक जैसा है। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। हाउ मेनी एड कैंपेन्स कैन बी रन एट अ सेम टाइम फ्रॉम द सेम अकाउंट? बाई इट्स डिपेंड ऑन योर बिजनेस, आप
मल्टीपल कैंपेन्स भी बना सकते हैं, 10, 12, 13, 14, मैंने तो इवन 100-100 भी बनाई है, आप देख लीजिएगा लिमिट क्या है, मुझे लिमिट का पता नहीं है, गूगल पे बता देगा। मेरे ख्याल से तो इसकी 100-150 तक तो मैंने खुद बनाया है अकाउंट्स, कैंपेन्स, एक अकाउंट में एड कैंपेन्स। ये सवाल था जैनुल आबिदीन साहब का। अच्छा, बिलाल कादरी का सवाल है, हाउ टू फाइंड आउट इफ अ वेबसाइट इज रनिंग गूगल एड्स एंड व्हाट कीवर्ड्स दे आर टारगेटिंग। भाई इसको बोलते हैं आसान अल्फाज में बिलाल भाई, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, के आपका कॉम्पिटिटर एनालिसिस गूगल एड्स के अंदर भी बताता है ऑक्शन इनसाइट्स में, लेकिन वो ये नहीं बताता कि वो कीवर्ड कौन सा टारगेटिंग कर रहा है। हाँ, लेकिन मेनली कीवर्ड आप खुद भी पहचान सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, पूरा टूल है कीवर्ड प्लानर का इसका। हुजैफा यार, एक सवाल एक बंदा पूछे ना तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, फिर सबको मौका मिलेगा। ये सिंगल स्किल भी इनफ है भाई, मेरे पास तो ये सिंगल स्किल ही है यार, और दूसरी सेल की स्किल है मेरे पास एज अ बिजनेसमैन, तो अब मैं क्या बताऊं, इसका क्या जवाब दूं रेखा भाई आगे। इट्स डिपेंड ऑन यू, अगर आप इस स्किल में पॉलिश हो जाते हैं और एक्सपर्टीज ले लेते हैं तो यकीन जानिए ये सिंगल स्किल भी इनफ है। अवेश पूछते हैं, सर क्या ब्रांड्स के रेप्लिकास का गूगल एड्स चला सकते हैं? अगेन अवेश, गूगल एड्स की पॉलिसीज पढ़े, आपको अंदाजा हो जाएगा। ब्रांड्स की रेप्लिका, यार ये तो देखो वैसे ही जो है वो दो नंबर चीज हो गई ना। अब्बास हसन, टोटल कितने लेक्चर्स होंगे? यार 8 से 10 लेक्चर्स में कोशिश करूंगा लेने की। अगर अकाउंट सस्पेंड हो जाए मोहम्मद इरफान रियाज, तो अगेन एक्टिव हो जाएगा भाई? डिपेंड करता है सस्पेंड हुआ क्यों था। अच्छा, इंजीनियर महमूदुर रहमान पूछते हैं, आई एम बिगिनर इन गूगल एड्स लाइक मैनी अदर्स। भाई वेलकम टू गूगल एड्स कम्युनिटी, अल्लाह करे आप एक्सपर्ट हो जाएं इसमें। डू यू कवर इंटरनेशनल एड स्ट्रेटजीज एज आई हैव माय ओन ब्रांड सेलिंग गुड ग्लोबली, वांट टू लर्न हाउ टू एडवर्टाइज ग्लोबली। जी भाई मैं बिल्कुल कवर करूंगा, मैं बेसिक स्ट्रेटजीज कवर करूंगा, वो इट्स नॉट डिपेंड लोकल इंटरनेशनल। और हमादुल भाई आपसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबसे ज्यादा डोनेशन देंगे, आपकी कैंपेन में खुद सेट करूंगा गूगल एड्स पर। आवाज कट रही है सर, सर यूट्यूब और गूगल एड्स में क्या डिफरेंस है? यार ये कैसा सवाल है यार, गूगल एड्स एक गूगल का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब एक वीडियो प्लेटफॉर्म है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। मोहम्मद आतिफ, सर थैंक यू फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू अवर नॉलेज ग्रोथ, पीपल शेयर प्लीज क्लास। यार देखो क्लास स्केड्यूल मेरे पास जब जब टाइम होगा मैं आप लोगों को ग्रुप में इन्फॉर्म करता रहूंगा। शुएब पूछते हैं, भाई इफ समवन इज सेलिंग योर प्रोडक्ट्स विदाउट योर कंसेंट वाइल रनिंग गूगल एड्स, कैन वी स्टॉप हिम? ऑफ कोर्स, इफ अगर आप, आपकी प्रोडक्ट ट्रेडमार्क कॉपीराइट्स हैं, आप गूगल पर रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं और आप रोक सकते हैं, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम भाई, दिस रिजवान ज्वाइन क्लास नाइन राइट नाउ, कैन आई फाइंड इट? जी भाई रिकॉर्डिंग मिलेगी सबको। बैंक सैयद जैन पूछते हैं, बैंक कार्ड यूज करना सेफ है गूगल एड्स एंड एफबी पे अटैच करके, या बैंक में पैसे कम रख के यूज किया? भाई बेहतर ये मैनुअल पेमेंट कर दो और गूगल पे जो है वो पेमेंट ऐड करवा दो, दिस इज द बेस्ट वे, फिर गूगल खुद से तो नहीं काटेगा। अच्छा, ये इंजीनियर महमूद रहमान फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझे, सब प्रोसीड अकॉर्डिंगली, अलाउ टू रिक्वेस्ट टू मेंबर हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन गूगल एड्स। इट्स रिक्वेस्ट टू दानिश साहब टू प्रोसीड अकॉर्डिंगली, ऑल्सो रिक्वेस्ट टू मेंबर हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन गूगल एड्स। जी भाई बिल्कुल, जो बंदे काम कर रहे हैं वो भी सिखाएं एक दूसरे को गूगल एड्स पे, और जो काम कर रहे हैं गूगल एड्स पे मैं उनकी कैंपेन खुद जो है वो ऑप्टिमाइज करूंगा, मेहरबानी करके वो डोनेशन दें सैलाब जदकान में जितनी ज्यादा हो सके। सर व्हाट द मिनिमम और स्टार्टिंग बजट टू प्रमोट माई बिजनेस? इट्स डिपेंड ऑन योर बिजनेस। समित भाई, सर क्लास डेली होगी? नहीं भाई, ये वीकेंड वीकेंड होगी, या जो भी मुझे टाइम अवेलेबल होगा मैं अनाउंस कर दूंगा 2-3 दिन पहले। बिलाल भाई बताया 8 से 10 सेशंस लूंगा मैं। भाई अपवर्क कवर नहीं करूंगा, मैं आपको स्किल्स दूंगा, अपवर्क आप खुद करेंगे। अच्छा हमाद भाई थैंक यू, हमादुल्ला भाई थैंक यू। अच्छा अवेश फिर पूछते हैं, गूगल मर्चेंट सेंटर गूगल एड्स में क्या डिफरेंस है? भाई दोनों अलग अलग चीजें हैं, मेरा टॉपिक गूगल मर्चेंट सेंटर नहीं है, लेकिन गूगल एड्स से रिलेटेड जो भी मर्चेंट सेंटर की आएंगी चीजें वो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। हाउ टू अप्रूव गूगल मर्चेंट, ये भी कवर करेंगे? नहीं भाई मैं गूगल एड्स कवर करूंगा, हाउ टू अप्रूव गूगल एड्स ये मेरा टॉपिक है, नॉट गूगल मर्चेंट। मुझे सस्पिशियस पेमेंट पर बहुत मसला आ रहा है, क्लास के बाद आपके 2 मिनट मिल सकते हैं? आमिर रहमान भाई
डोनेशन करें जाके, मुझे मैसेज करें, रिसिप्ट भेजें, इंशाल्लाह आपके साथ है आपका भाई, जजाक अल्लाह खुश रहे। ये डोनेशन भाई मैंने फिर बोल रहा हूँ किसी को भी कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी, अलखिदमत, ईदी, जेडीसी, आपके मोहल्ले में कोई है आप जाके खुद कपड़े वगैरह दे सकते हैं, कुछ भी डोनेशन करें मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प करूंगा बिजनेस में गूगल एड्स को चलाने के लिए। व्हाट आर द, मोहम्मद उजैर पूछते हैं व्हाट आर द सम बेस्ट वेज टू गेट क्लाइंट गूगल एड्स। भाई मुख्तलिफ तरीके हैं, आप खुद गूगल एड्स भी चला सकते हैं, फाइबर पे भी जा सकते हैं, अपवर्क पे भी जा सकते हैं, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हैं, मैनुअल कॉलिंग सेल्स भी कर सकते हैं, लोकल मार्केट में भी खेल सकते हैं, इट्स डिपेंड। मोहम्मद उजैर भाई, उजैफा भाई पूछते हैं सर प्लीज टिप फॉर एवरीवन यूज नया पे। यार देखो ये नया पे सादा पे ये मुझे नहीं पता यार ये क्या है, ना मैं इनका एजेंट हूँ ना मैं किसी और की इधर मार्केटिंग करने बैठा हूँ, कार्ड लगा लो वीजा और मास्टर कार्ड चलता तो है। विल क्लाइंट ट्रस्ट अस टू प्रोवाइड His bank account details and profit margin of his business. Excellent question है, same नाम है दानिश अंसारी भाई। हाँ भाई क्लाइंट नहीं बताता लेकिन आपने R&D पूरी करनी है अपनी तरफ से ना, आप तो अज्यूम कर सकते हैं ना दूसरे बिजनेस में जाके देख के रिसर्च करके, तो बैंक अकाउंट डिटेल तो नहीं बताएगा, प्रॉफिट मार्जिन तो वो नहीं बताएगा, ये आपको अज्यूम करना है। सर आई हैव कम्प्लीटेड गूगल एड्स, लिंक्डइन एड्स, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम, आई विल ऑल्सो, ये ऐसा इकबाल का सवाल है, आई विल ऑल्सो complete your recommendation and follow your lead, but how can I get hands on experience, how we can get hands on experience। भाई जब आप काम करेंगे ना, ख्वाब वो अपने बिजनेस पे करें और या जो है वो क्लाइंट के बिजनेस पे करें, तो आप लोग जो है वो एक्सपीरियंस ऐसे ही लेंगे ना। देखिए ना मैंने या किसी और ने भी, बंदे ने कैसे लिया होगा, फाइवर पे गिग डाली होगी, क्लाइंट्स बनाए होंगे, बिजनेस को प्रमोट किया होगा, एक्सपीरियंस इसी तरह आता है मेरी जान। अलमास अहमद सवाल करते हैं हाउ मच एन एक्सपर्ट कैन अर्न अ ईयर इन बाय। भाई ये बिल्कुल मैं आपको मिलीनियर बनाने नहीं बैठा, स्किल सिखाने बैठा हूँ, और ये आप पर डिपेंड करता है आप इस स्किल से कितना कमा सकते हैं। सर इस कोर्स की कोई सर्टिफिकेशन हो सकती है, बेशक डिजिटल फॉर्म में हो जाए कि हमने ये कोर्स किया है, फरहान भाई उसकी फीस है, आप उसकी फीस ये है कि जितने आपके पास हो सकते हैं ना डोनेशन के लिए पैसे जाके आप डोनेट करें, मैं आपको बताऊंगा फ्री सर्टिफिकेशन कहाँ से लेनी है आपके, आपने इसकी इंशाल्लाह, और वो इंटरनेशनल होगी, ये मेरा वादा है आपसे। स्टार्टिंग माय हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए कितना अमाउंट चाहिए गूगल एड्स के लिए? भाई अगेन ये सवाल है दानिश यूसुफ़ज़ई का, इट्स डिपेंड ऑन योर बिजनेस योर बजट, 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्लाइंट ही नहीं मिल रहा सर, अक्सा असगर मिस आप जो है मेरी बहन, आप मुझे प्राइवेट मैसेज कीजिए, डोनेशन करके मुझे रिसिप्ट भेजिए, इंशाल्लाह ताला आपका भाई है, आपकी कैंपेन चलाएगा जी। मुझे इस खास डोनेशन बेशक लोग कर रहे होंगे, मुझे इस सेशन से डोनेशन चाहिए, सलाह किसी को भी कर सकते हैं, किसी को भी, कासिम भाई से पूछ सकते हैं कहाँ डोनेशन की जाए बेस्ट, वो बता देंगे आपको। सर जब हम एड का बजट एडजस्ट करें तो क्लाइंट को किस बेस पर बजट भेजें? भाई इसकी पूरा प्रपोजल बनेगा वो मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। सर कोर्सिया पे मिलता है फ्री सर्टिफिकेशन? भाई मुझे नहीं पता कोर्सिया यूडेमी वगैरह का, लेकिन आपका भाई बताएगा, लेकिन डोनेशन के साथ आप लोग डोनेशन करें। वैसे मैं ये सब कुछ बताऊंगा, मेरा मकसद ये नहीं है यार, देखो अपने भाई लोग हैं, अपनी बहने हैं, मैं ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि आप अगर इंसानियत जरा सी भी है तो आप लोग जो है वो रो देंगे उन तस्वीरों को देख के। खुदा के लिए डोनेशंस कीजिए, खुदा के लिए, मैं अपनी हार्ड वर्किंग पूरी अपनी जिंदगी की स्किल्स फ्री में दे रहा हूँ, तो यार आप लोग जो है वो डोनेशन कीजिए। भाई अगर किसी ने डोनेशन की भी है वो दोबारा डोनेशन करे, मुझे भेजे, मैं समझूंगा मुझे मेरी फीस मिली है, बस ये, और इससे बड़ी बात मैं क्या बोलूं। तो अभी यहाँ तक रखते हैं हमारा सेशन, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास अनाउंस करूंगा, ग्रुप्स में भी आप ग्रुप में लोगों को भी ऐड कर दें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, गूगल एड्स बाय दानिश खान। और अच्छा भाई इंजीनियर मोहम्मद महमूदुर रहमान सही बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट टू एक्सपीरियंस फ्रेंड, भाई जो जो लोग ऑलरेडी गूगल एड्स पे काम कर रहे हैं वो अपने क्वेश्चन मुझसे प्राइवेट में पूछें या ग्रुप में पोस्ट कीजिए, मैं वहां जवाब दूंगा। और ये बात सही भी है, किसी हद तक बिगिनर्स के लिए बड़ा मसला होता है, मैंने अभी बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया, अभी तो मैं आया भी नहीं हूं, मैंने सिर्फ गूगल एड्स का ओवरव्यू दिया है, मैं अभी टेक्निकल डिटेल्स पे आया ही नहीं हूं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, बिजनेस क्या है, तो अपने अपने क्वेश्चन होल्ड करें।
आई एम फ्रॉम झुड्डो सिंध, भाई मैं भी सक्खर से हूँ, वन ऑफ द मोस्ट फ्लड अफेक्टेड एरियाज ऑफ सिंध, वी आर वर्किंग ऑन द रिलीफ ऑफ द नीडी पीपल। भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे भाई, प्लीज मुझे तस्वीरें वगैरह भेजें ताकि हम आपको अप्रिशिएट करें। जी भाई रिकॉर्डेड सेशन सबको मिलेगा और मैं अब ये एंड करने लगा हूँ सेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी और अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मेहनत करें, कोशिश करें कि जो है आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा सीखें। थैंक यू अगेन कासिम भाई, जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।